एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढककर रख दिया था। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया। बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा। गाय मुझे दूध देगी, दूध मैं बच्चे को दूंगा, बच्चा हंसने लगेगा। मैदान बोला, कहाँ से दूँ घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता। मुझे पानी दो तो मैं तुम्हें घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ। पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुँचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। हम कहाँ से पानी दे? चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो हजारों पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। पर्वत ने पानी छोड़ा। नदी भरी, उसने मैदान को पानी दिया। मैदान में घास उगी। गाय को घास मिली। गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा। दूध बच्चे को पिलाया। बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया।